संत तुकाराम पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यूटर्न ले लिया है और सफाई देते हुए माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री यह कहते हुए दिखे कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे मारती थी। आप भी सुनिए पंडित धीरेन्द्र ने क्या कहा था। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहां पड़ा, चल राम जी के चरणों में। धीरेन्द्र शास्त्री ने मामले को बढ़ता देख तुरंत माफी मांगी और अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मामले में मंगलवार को कहा कि संत तुकाराम एक महान संत थे और हमारे आदर्श हैं। हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर भाव प्रस्तुत किए थे कि वो थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ने वाली कहानी हमने पढ़ी थी। संत तुकाराम को लेकर हमने किताब में पढ़ा था कि उनकी पत्नी उन्हें गन्ने लेने भेजती है, फिर एक गन्ने से उनकी पिटाई के चलते दो टुकड़े हो गए। तो इसे मैंने अपने भाव में समझाया, मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और अपने शब्दों को वापस लेता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक वीडियो में बयान देते हुए यह भी कहा कि वो संत तुकाराम को अपना आदर्श मानते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से उनका विरोध शुरू हो गया है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मधुभाषी के साथ।